प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। टॉपिक चल रहा था मित्रों अपना शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, और शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत कल एक क्वेश्चन जो था प्रिय विद्यार्थियों, वो अपना क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, आज उसको पूरा कर लेते हैं। हेडिंग थी उस क्वेश्चन की, दोबारा से लिख सकते हैं, ए मॉर्निंग वॉक, ए मॉर्निंग वॉक प्रातःकालीन भ्रमण। तो देखो मित्रों, कल हमने आपको बता दिया था, यानी डीप ब्रेथिंग मेक्स अवर लंग्स स्ट्रॉन्ग, डीप ब्रेथिंग मेक्स अवर लंग्स स्ट्रॉन्ग बाय मॉर्निंग वॉक, यहां तक हमने कल आपको बता दिया था। इसके बाद लिखो we get a lot of energy for days work, आगे को in the morning, in the morning environment, in the morning environment is calm and fresh, and fresh in the morning environment is calm and fresh। उसके बाद देखो मित्रों, so we feel, so we feel fresh, so we feel fresh, fresh in a whole day, in a whole day, so we feel fresh in a whole day। उसके बाद देखो प्रिय विद्यार्थियों, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, उसके बाद देखो बर्ड्स ऑन द, द चिल्ड्रन बर्ड्स ऑन द ट्रीज एंड ट्रीज एंड ब्लोइंग कूल एयर इन द मॉर्निंग टाइम, इन द मॉर्निंग टाइम गिव्स अस, गिव्स अस ए ग्रेट, गिव्स अस ए ग्रेट प्लीजर, ग्रेट प्लीजर, सो सो मॉर्निंग वॉक, सो मॉर्निंग वॉक रिफ्रेशेस अस, सो मॉर्निंग वॉक रिफ्रेशेस अस। प्रिय विद्यार्थियों, जो टॉपिक था मॉर्निंग वॉक वाला क्वेश्चन, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसकी हिंदी बता देते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, यानी क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है, देखो वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, वी गेट हम प्राप्त करते हैं ए लॉट ऑफ, एक अधिक मात्रा में, यानी हम प्राप्त करते हैं एक अधिक मात्रा में एनर्जी, का मीन्स होता है ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा फॉर डेज वर्क, दिन के कार्यों के लिए हम एक अधिक मात्रा में ऊर्जा दिन के कार्यों के लिए प्राप्त करते हैं। क्लियर है मित्रों? इसके बाद इन द मॉर्निंग, सुबह के सुबह का एनवायरमेंट होता है, वातावरण लिख लो या पर्यावरण, सुबह का पर्यावरण या सुबह का वातावरण इज काल्म, शांत होता है,
होता है, सुबह का पर्यावरण या सुबह का वातावरण बिल्कुल कैसा होता है, शांत होता है। एंड फ्रेश, एंड माने और, फ्रेश माने होता है ताजगी देने वाला, फ्रेश माने ताजगी देने वाला। सुबह का पर्यावरण मित्रों शांत होता है और ताजगी देने वाला होता है। सो अतः बी माने हम, फील माने महसूस करते हैं, अतः हम महसूस करते हैं, फ्रेश माने ताजा, अतः हम ताजा महसूस करते हैं। इन होल डे, होल डे का मीन्स होता है संपूर्ण दिन या पूरे दिन, अतः हम पूरे दिन ताजा महसूस करते हैं। द चिल्ड्रन बर्ड, चिल्ड्रन होता है चहचाते हुए, बर्ड्स माने पक्षी, चहचाते हुए पक्षी। ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर चहचाते हुए पक्षी। एंड ब्लोइंग कूल एयर, और चलती हुई ठंडी हवा, पेड़ों के ऊपर चहचाते हुए पक्षी और चलती हुई ठंडी हवा। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, गिव्स अस, हमें देती है ए ग्रेट प्लीजर, बहुत बड़ा आनंद, यानी चहचाते हुए पक्षी और चलती हुई सुबह के समय एक ताजी हवा हमें बहुत अधिक खुशी देती है। सो अतः मॉर्निंग वॉक रिफ्रेश अस, अतः प्रातःकालीन भ्रमण हमें तरोताजा रखता है, प्रातःकालीन भ्रमण हमें तरोताजा रखता है। तो पूरे का देखो, हम एक बहुत अधिक मात्रा में दिल के कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सुबह का पर्यावरण शांत होता है और ताजा होता है, ताजगी देने वाला होता है, अतः हम पूरे दिन यानी ताजगी महसूस करते हैं। चहचाते हुए पक्षी पेड़ों के ऊपर और ठंडी हवा जो बहती है सुबह के समय या टाइम से, यानी सुबह के समय, गिव्स अस, हमें देती है ए ग्रेट प्लीजर, एक बहुत अधिक खुशी, एक बहुत अधिक खुशी प्रदान करती है। सो मॉर्निंग वॉक अतः प्रातःकालीन भ्रमण हमें क्या करता है, तरोताजा करता है। इसके बाद मित्रों ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट, अब अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर चार, ध्यान लगाओ, क्वेश्चन नंबर चार, और चार में लिखो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए हाउस। ये डायरेक्ट मैंने हेडिंग वाला लिखा दिया आपको, यानी दो आती है ना, एक तो प्रिय विद्यार्थी आउटलाइन वाला होता है और दूसरा आता है डायरेक्ट बेस वाला, सीधा सीधा, तो मैंने सीधा लिखा दिया ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट इन अबाउट, इन अबाउट 60 वर्ड्स। प्रिय विद्यार्थियों, यानी अब आपको, यानी पेपर के अंतर्गत दो आते हैं और दोनों में से जो क्वेश्चन आता है मैंने आपको क्लियर करा दिया कि एक तो आउटलाइन बेस पे आता है और एक डायरेक्ट बेस पे आता है। डायरेक्ट बेस में जो मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग इसमें दी होती है, इसमें निकालने की कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी स्टूडेंट को, जबकि आउटलाइन बेस में आपको क्या निकालनी पड़ती है, हेडिंग निकालनी पड़ती है। तो इसमें बिल्कुल भी किसी को कोई परेशानी नहीं है, सीधी सीधी दी गई है, एक पैराग्राफ लिखना है, ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, एक घर में आग की क्या हो गई है मित्रों, दुर्घटना हो गई, एक घर में आग की दुर्घटना के ऊपर। तो आप सबसे पहले यानी हेडिंग लगाओ ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, आंसर डाल के ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट। ये क्या हो गई मित्रों, इसकी मेन हेडिंग हो गई। अब सबसे पहले जब आपको मेन हेडिंग दी गई है तो एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि पूरा जो पैराग्राफ जो लिखा जाएगा एक आग की दुर्घटना के ऊपर लिखा जाएगा, यानी घर में आग लगी है, आग किन कारणों से लगी है, इसके बाद आग लगने के बाद लोगों ने क्या प्रयास किया, लोगों के प्रयासों के बाद आग कितनी देर में बुझी, उसके बाद कितना नुकसान हुआ,
यानी कितनी नुकसान हुई, नुकसान के बाद जो वहां पे लोग थे यानी आए थे उन्होंने क्या क्या मदद की और मदद के बाद अंत में क्या निष्कर्ष निकल के आया, ये आपके दिमाग में इसका क्या आना चाहिए, सार आ जाना चाहिए मित्रों। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो लास्ट संडे ए हाउस बाज ऑन फायर, लास्ट संडे ए हाउस बाज ऑन फायर इन माई विलेज इन माई विलेज इन माई विलेज। उसके बाद देखो मित्रों आई बाज आए बाज स्लीपिंग आई बाज स्लीपिंग इन माई हाउस आई बाज स्लीपिंग इन माई हाउस। उसके बाद देखो मित्रों सडनली आई listen। इसके बाद देखो much noises much और much के बाद देखो noises। इसके बाद देखो I bob up यानी मैं क्या हो गया जा गया। उसके बाद एंड रस्ड माने दौड़ना एंड रस्ड टू द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन और उस दिशा की ओर क्या हुआ मित्रों ने दौड़ा एंड रस्ड टू द डायरेक्शन। उसके बाद देखो देयर वर मैनी पीपल। उसके बाद देखो मित्रों देयर वर मैनी पीपल। उसके बाद देखो द फ्लेम्स ज्वालाएं, फ्लेम्स होता है आपकी लपटें, द फ्लेम्स ऑफ द फायर बर राइजिंग हाई। उसके बाद देखो सम पीपल क्राइंग एंड रनिंग हियर एंड देयर some people running here and there। इसके बाद लिखो मित्रों they were throwing water and sand और धूल on the rising flames। उसके बाद देखो मित्रों the ladies of the house were crying
बार क्राइंग बिटरली द लेडीज ऑफ द हाउस बार क्राइंग बिटरली उसके बाद लिखो देन आई टेलीफोन्ड टू द फायर ब्रिगेड ब्रिगेड उसके वाले को ए चाइल्ड वाज लेफ्ट इन द हाउस ए चाइल्ड वाज लेफ्ट इन द हाउस इट वाज इसके बाद देखो मित्रों डिफिकल्ट टू सेव हिम इट वाज डिफिकल्ट टू सेव हिम बट आई पिकड़ अप करेज व्हाट आई पिकड़ अप करेज एंड टोक दी चाइल्ड एंड टुक दी चाइल्ड आउट सेफ एंड साउंड वाई देन द फायर ब्रिगेड केम देयर इट कंट्रोल्ड द फायर इन 2 hours बी हैंगड बॉड दैट नो वन डाइड ये था आपका क्वेश्चन मित्रों। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं इसकी, ध्यान से देखो यानी क्या कह रहा है। तो देखो सबसे पहले जो था अपना क्वेश्चन था, ए हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, एक घर में आग की घटना के ऊपर था। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था कि घर में आग कैसे लगी उसके बारे में हमें बताना था। तो ध्यान से देखो मित्रों, यानी एक हाउस ऑन फायर एक्सीडेंट, एक घर में आग की घटना आपने क्या लगा दी? मेन हेडिंग लगा दी, क्योंकि क्वेश्चन के अंतर्गत ऊपर मेन हेडिंग दी गई है। क्लियर है आपका यहां तक? उसके बाद देखो लास्ट संडे पिछले रविवार को एक घर में ऑन फायर आग लगी इन माय विलेज मेरे गांव में, यानी घर के अंदर आग लग गई जो घर कांटा मेरे गांव के अंदर था। आई वाज स्लीपिंग में सो रहा था इन माय होम में इन माय हाउस मेरे घर में मैं मेरे घर के अंदर सो रहा था। उसके बाद सडनली अचानक आई माने मैंने, लिसन माने सुनी, मच माने अधिक, अचानक मैंने सुनी अधिक नोइजेज माने होता है आवाजें, अचानक मैंने अधिक आवाजें सुनी
I woke up, मैं जाग गया. I woke up, मैं जाग गया. And rushed और दौड़ा to the direction उस दिशा की ओर. अचानक मैंने जब वो आवाजें सुनी तो मैं जाग गया और उस दिशा की ओर दौड़ा. उसके बाद dear but dear माने वहाँ बार माने थे. मैंने के ऊपर बहुत से लोग वहाँ बहुत से लोग थे. The flames फ्लेम्स होता है मित्रों आपकी लपटें आपकी ज्वालाएं यानी जो आपकी लपटें थी ऑफ द फायर आपकी बर राइजिंग हाई बहुत तेज उठ रही थी यानी जब आग लगी थी तो उसकी जो लपटें थी बहुत तेज उठ रही थी. सम पीपल कुछ लोग गिराएं चिल्ला रहे थे कुछ लोग चिल्ला रहे थे क्या कर रहे थे चिल्ला रहे थे. एंड और रनिंग दौड़ रहे थे. हियर एंड देयर यहां और वहां कुछ लोग दौड़ रहे थे यहां और वहां. दे वर थ्रोइंग वो फेंक रहे थे. वाटर माने पानी एंड और सैंड माने होता है धूल. दे पानी और धूल फेंक रहे थे यानी मिट्टी फेंक रहे थे. ऑन द राइजिंग फ्लेम उस आग की लपटी आग की उठती हुई ज्वाला पर या आग पर. उसके बाद द लेडी घर की जो महिलाएं थी ऑफ द हाउस माने घर की जो यानी महिलाएं थी बर क्राइंग रो रही थी बिटरली माने बुरी तरीके से. घर की महिलाएं बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी रो रही थी. देन उसके बाद आई टेलीफोन मैंने टेलीफोन किया टू द फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड एक यंत्र यानी मशीन होती है जो आग बुझाने का कार्य करती है. ए चाइल्ड वाज लेफ्ट एक बच्चा रह गया था इन द हाउस घर के अंदर. एक बच्चा घर के अंदर रह गया था. इट वाज डिफिकल्ट और उसे कठिन था टू सेव हिम बचाना उसको बचाना बहुत कठिन था. बट इनटू आई पिकड अप करेज लेकिन मैंने हिम्मत या साहस से काम लिया. मैंने हिम्मत और साहस से काम लिया. एंड टुक द चाइल्ड और बच्चे को लेकर आया हाउस से सुरक्षित बाहर. मैंने हिम्मत और साहस से काम लिया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल के लाया. एंड साउंड तभी आवाज आई द फायर ब्रिगेड की यानी तभी मुझे फायर ब्रिगेड की आवाज सुनाई दी. केम डियर जो वहां पहुंची थी. इट कंट्रोल इसने नियंत्रण कर लिया द फायर माने आग पर इन 2 आवर्स 2 घंटे में. इसने आग पर 2 घंटे में नियंत्रण कर लिया. वी थैंक हमने धन्यवाद दिया गॉड माने भगवान को दैट की नो वन डाइड किसी की डेथ नहीं थी किसी की मृत्यु नहीं थी. हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि किसी की क्या नहीं थी मृत्यु नहीं हुई थी. तो ये पैराग्राफ आपका एक बार और हिंदी बोल देता हूं मैं आपको ध्यान से सुन लेना. पिछले रविवार को एक घर में मेरे गांव के घर में आग लगी. मैं मेरे घर के अंदर सो रहा था. अचानक मुझे वहां बहुत तेज आवाजें सुनाई दी. मैं जाग गया और उस दिशा की ओर दौड़ा. वहां बहुत से लोग थे. जो आग की लपटें थी वो बहुत तेज उठ रही थी. कुछ लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर डोल रहे थे यानी रनिंग माने दौड़ रहे थे. बेप आग के ऊपर यानी उठती हुई लपटों के ऊपर पानी और मिट्टी फेंक रहे थे. घर की महिलाएं बुरी तरीके से चिल्ला रही थी. तभी मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया. एक बच्चा घर के अंदर रह गया था उसको बचाना बहुत कठिन था किंतु मैंने साहस और हिम्मत से काम लिया और लड़के को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल के लाया. तभी मुझे फायर ब्रिगेड की आती हुई आवाज सुनाई दी और उसने आग पर 2 घंटे में नियंत्रण पाया और हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी. क्वेश्चन नंबर अगला मित्रों 5 हेडिंग लगाओ. पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन है आपका. लिखो क्वेश्चन नंबर 5 है. देखो ध्यान से. राइट ए पैराग्राफ ऑन ए पिकनिक
on a picnic in about 60 words. In about 60 words. तो मित्रों अब आपका जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको एक शॉर्ट पैराग्राफ तैयार करना है और शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो किसके ऊपर है, एक पिकनिक के ऊपर है। किसके ऊपर है? पिकनिक के ऊपर है। तो ध्यान रखना, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले इसमें आंसर डाल के आपको हेडिंग मिल गई है मित्रों, और हेडिंग क्या है लगा लो, ए पिकनिक, मौज मस्ती मनोरंजन जो होता है एक पिकनिक बोलते हैं उसे। एक पिकनिक, देखो पिकनिक के ऊपर लिखना है हमें। तो सबसे पहले यानी आप कहां गए, कौन कौन से आपके मित्र थे, मित्र के अलावा आपने पिकनिक के अंतर्गत कौन कौन सी खास सामग्री ली और कितने यानी सामान लेने के साथ साथ कौन कौन साथ गए। साथ जाने के बाद वहां आपने क्या किया, मौज मस्ती की, क्या मनोरंजन किया, उसके बारे में लिखते हुए और अंत में आपको इसका क्या लिखना है, निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप पिकनिक के अंतर्गत लिखो, पिकनिक इज, पिकनिक इज ए गुड, पिकनिक इज ए गुड पास टाइम, पिकनिक इज ए गुड पास टाइम सबसे पहली लाइन हो गई है। इसके बाद इट गिव्स अस, इट गिव्स अस एंजॉयमेंट, इट गिव्स अस एंजॉयमेंट। लास्ट वीक आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, टू गो फॉर ए पिकनिक, आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। तो यानी ये अपनी स्थिति आ गई कि आप हमने मित्रों के साथ जाने के निश्चय किया, हम सभी जो मित्र थे यानी साथ साथ गए। उसके बाद देखो इट वाज ए वेरी, इट वाज ए वेरी, इट वाज ए वेरी फाइन वेदर, फाइन वेदर, फाइन वेदर, इट वाज ए वेरी फाइन वेदर। इसके बाद देखो मित्रों आगे दैट डे, दैट डे कॉमा, दैट डे कॉमा इट वाज द टाइम, इट वाज द टाइम, इट वाज द टाइम ऑफ रेनी सीजन, ऑफ रेनी सीजन, इट वाज द टाइम ऑफ रेनी सीजन। इसके बाद देखो एक लाइन और लिखो, देयर वाज ए, देयर वाज ए कैनाल, देयर वाज ए कैनाल नियर अवर टाउन, नियर अवर टाउन, देयर वाज ए कैनाल नियर अवर टाउन। तो देखो यहां तक आपको एक बार बता देते हैं, पिकनिक इज ए गुड पास टाइम, पिकनिक एक बहुत अच्छा पास टाइम माने समय बिताने का साधन है, समय बिताने का माध्यम है। इट गिव्स अस ये हमें देता है एंजॉयमेंट माने होता है आनंद। लास्ट वीक पिछले सप्ताह आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया टू गो फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक पर जाने का, एक मनोरंजन पर जाने का विद माय फ्रेंड मेरे मित्रों के साथ। यानी पिछले सप्ताह मैंने मेरे मित्रों के साथ मनोरंजन पर जाने का निश्चय किया। इट वाज ए वेरी फाइन वेदर, उस दिन जो था बहुत ही अच्छा मौसम था, उस दिन जो था यानी मौसम बहुत अच्छा था।
It was the time of rainy season. ये है वर्षा ऋतु का मौसम था. कौन सी ऋतु का? रेनी सीजन आ गया, वर्षा ऋतु. तो ये मौसम वर्षा ऋतु का था. दिया बागे केनाल, केनाल माने होता है नहर. वहां एक नहर थी, धारा बहती थी नहर की, नियर अवर टाउन, हमारे कस्बे के पास. यानी तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया मित्रों. इसके अगले जो शेष जो रह गया, इसके आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.